हाथ उठाकर उंगली दिखाते हुए, आप सभी लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। ना केवल तस्वीरें देखी होंगी बल्कि कई मुख्य स्मारकों पर उनकी प्रतिमा को भी लगे हुए देखा हुआ, खासतौर से वह प्रतिमा जो भारतीय संसद के ठीक सामने लगी हुई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहना क्या चाहते हैं, वह किस ओर इशारा कर रहे हैं और किसके लिए इशारा कर रहे हैं। असल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज को इशारा करते हुए यह बता रहे हैं कि आप सभी लोग भारत की संसद के अंदर जाइए, भारत विधानसभाओं में जाइए और वहां के शासक बनिए। इसी सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक पार्टी बनाई थी। लेकिन क्या थी वह पार्टी? जय भीम, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं दाशूद्रा। दाशूद्रा की खास पेशकश द बहुजन शो में आज आप मेरे साथ देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। यही वह पार्टी थी, या यूं कहिए यही वह बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था जो उन्होंने देखा था। इसी सपने की बदौलत वह बहुजन समाज को भारतीय संसद के अंदर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन आज मौजूदा दौर में द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थिति क्या है, आखिर इसकी हैसियत क्या है, क्या आज भी यह अस्तित्व में है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के विकल्प के तौर पर राजनीति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। यह कैसे काम करती है, क्यों काम करती है और किनके लिए काम करती है, आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। आइए मेरे साथ। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ इस संदर्भ में उनका पत्राचार भी हुआ था, मगर दलित, पिछड़े, श्रमिक, अल्पसंख्यक और सर्वहारा वर्ग की राजनीति के लिए सर्वसमावेशी दल और गठबंधन का डॉक्टर अंबेडकर का सपना उनके महापरिनिर्वाण की वजह से अधूरा रह गया। हालांकि बाद में बाबा साहेब के इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके अनुयायियों ने पहल तो की, लेकिन इसके कई टुकड़ों ने इस पार्टी का अस्तित्व आज खतरे में डाल दिया है। विभिन्न गुटों में बटी यह पार्टी आज अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब की अध्यक्षता में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक बहुत जरूरी बैठक हुई। इस सभा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त कर रिपब्लिकन पार्टी को बनाने का फैसला लिया गया। इस मीटिंग में कहा गया था कि आने वाले आम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के विरोध में एक साथ लड़ने का समय आ गया है, जिसे आजकल आमतौर पर गठबंधन कहा जाता है। राजनीति के इस विकल्प ने बाबा साहेब के इसी सपने को जन्म दिया, जहां उनके मन में रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी गई। यह राजनीतिक पार्टी कैसी होगी, कैसे काम करेगी, किन स्थानों पर इसे काम करने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि सब कुछ बाबा साहेब ने बहुत ही विस्तार के साथ इसे तैयार किया था, जिसे उनका खुला पत्र भी कहा जाता है। पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बातों को शामिल किया था। वह इस दल को कैडर बेस बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई के दादर में 1 जुलाई 1956 को रिपब्लिकन प्रशिक्षण कार्यशाला को प्रारंभ किया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी जगह थी जहां पर पार्टी से जुड़े सभी कामों को करने का तरीका लोगों को सिखाया जाता था। प्रशिक्षण कार्यशाला की जिम्मेदारी शांताराम शंकर रेगे को सौंपी गई थी। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को सर्वहारा, दलित, पिछड़ों के साथ सभी भारतीयों का मिशन बनाने का सपना देखा था। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन समारोह के बाद उससे सिर्फ 1.5 महीने बाद वह समय आ गया जब एक चमकता हुआ सूरज अचानक ही अस्त हो गया। 6 दिसंबर 1956, यही वह तारीख है जब दलितों और वंचितों के महानायक कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हम सबको छोड़कर दुनिया से अलविदा कह गए। दिल्ली में उनके महापरिनिर्वाण के चलते उनका सपना द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अधूरा ही रह गया। 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में बाबा साहेब की आरपीआई
यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लगभग महापरिनिर्वाण के एक साल बाद। यही वह पार्टी है जिसका संविधान खुद बाबा साहेब ने लिखा था। लेकिन क्या आज यह पार्टी बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में सक्षम है? बाबा साहेब ने अपना राजनीतिक सफर सबसे पहले 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाकर शुरू किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और स्वतंत्र मजदूर पार्टी की विचारधाराओं का अंतर साफ शब्दों में बताते हुए कहा था, स्वतंत्र मजदूर पार्टी वर्ग सिद्धांत के आधार पर बनी श्रमजीवियों की राजनीतिक पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक दूसरे के हित शत्रु शोषक तथा शोषित का जमावड़ा है, जिसमें शोषक उत्पीड़ों का प्रभुत्व है। परस्पर विरोधी वर्ग की यह खिचड़ी समाज की पुनः स्थापना नहीं कर सकती। भारतीय मजदूर आंदोलन में यह दल मील का पत्थर साबित हुआ था। इस पार्टी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। बहुत कम समय में पार्टी ने राजनीतिक सफलता हासिल कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार मुंबई प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 17 फरवरी 1937 को हुए थे। इन चुनावों में मुंबई और मध्य प्रांत बरार में स्वतंत्र मजदूर पार्टी ने धमाकेदार सफलता हासिल कर राजनीति में दस्तक दी थी। बाबा साहेब कहते थे, राजकीय सत्ता सारे सामाजिक प्रगति की कुंजी है। जब तक राजकीय सत्ता दलित वर्ग के हाथ में नहीं आ जाती, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बाबा साहेब के इसी विचार को साकार करने के लिए उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। पार्टी का जनाधार देश के विभिन्न प्रांतों में था। एक राष्ट्रीय दल के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ने पहचान बनाई थी, लेकिन गठन के 5 वर्षों में ही रिपब्लिकन पार्टी में बिखराव शुरू हो गया। 1962 तक पार्टी में दुरुस्त और नादुरुस्त दो गुट बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस शानदार जीत को विपक्षी दल और कांग्रेस सिर्फ ताकते ही रह गए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को देश भर से 2.83% मत मिले। वह लोकसभा में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बिखराव और नेताओं के बीच मन मुटाव की वजह से रिपब्लिकन पार्टी साल 1962 में मिली सफलता के बाद में फिर कभी वैसी सफलता नहीं दोहरा पाई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार था, तो महाराष्ट्र में पार्टी एक प्रबल दावेदार थी। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी की जड़ें मजबूत थीं। वहां पार्टी की नींव रखने वालों में छेदीलाल साथी प्रमुख थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों से प्रभावित होकर वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में शामिल हुए थे। बाद में वे उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। साल 1964 तक वे उस पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी अनुसूचित जाति समाज की पार्टी कही जाती थी, लेकिन उनका अन्य पिछड़े और मुस्लिम समाज से भी गठजोड़ था। 1961 में अलीगढ़ दंगों के कारण मुस्लिम कांग्रेस से नाराज थे। उच्च वर्गीय सवर्णों को कांग्रेस और जनसंघ का समर्थन था। इन सवर्ण लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और मुस्लिमों के गठजोड़ को जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में जाटों, मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई जैसे नारे गूंज रहे थे। अलीगढ़ जिले की लोकसभा सीट और विधानसभा की 2 सीटों पर 1962 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने कब्जा किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता बीपी मौर्या ने यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। शुरुआत से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अनुसूचित जातियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। न केवल प्रमुखता से उठाया बल्कि संघर्ष भी किया। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी
प्रमुखता के साथ उठाया। साल 1964 में छेड़े गए भूमि सुधार हेतु भूमिहीनों का सत्याग्रह पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था। भूमिहीन बेघर लोगों को जमीन देने की मांग के लिए दादा साहब गायकवाड़ और बैरिस्टर राजा बाऊ खोबरागड़े के द्वारा किए गए देश भर में आंदोलन में लगभग 367,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन से केंद्र की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। रिपब्लिकन पार्टी की अहमदाबाद में हुई मीटिंग में भूमि बंटवारे के साथ ही आर्थिक मुद्दों पर आगे कैसे अपना हक लेना है इस बात की योजना बनाई गई। पार्टी ने 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून यानी कि एक मजदूर को कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए इस कानून को लागू करने की पहल की। सभी को खाने की चीजों का बंटवारा, आरक्षित जगहों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भर्ती, इन मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाया गया। पार्टी के दलित सर्वहारा वर्ग के लिए बढ़ते संघर्ष और जनाधार से कांग्रेस घबरा गई। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी में गुटबाजी भी बढ़ती चली गई। वैसे तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिवारण के बाद से ही पार्टी में नेतृत्व का संघर्ष जारी था। दादा साहेब गायकवाड़ और एडवोकेट बीसी कामले में पार्टी के नेतृत्व के लिए संघर्ष हुआ। 1965 आते आते यह और भी तेज हो गया। एडवोकेट बीसी कामले ने रिपब्लिकन पार्टी दुरुस्त गुट बनाया तो दादा साहेब गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यहीं से विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हालांकि पार्टी विधानसभा की 23 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक 10 सीटों पर आरपीआई जीती। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल गठबंधन में रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख दल थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ने सत्ता में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई। लेकिन यह संयुक्त विधायक दल मात्र 2 साल के अंदर अंदर धराशायी हो गया और ठीक इसी के साथ रिपब्लिकन पार्टी में भी बिखराव आना शुरू हो गया। साल 1969 में बैरिस्टर राजा बाऊ खोबरागड़े अपने गुट के गद्दी पर बैठे तो वहीं बाबा साहेब के पुत्र भैया साहेब अंबेडकर ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई। 1970 तक रिपब्लिकन पार्टी गवई, कामले, खोबरागड़े और भैया साहेब अंबेडकर, जिन्हें आप और हम यशवंतराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, ऐसे 4 गुटों में बढ़ चुकी थी। इसका खामियाजा पार्टी को 1971 के चुनाव में भुगतना पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी को बाबा साहेब, सर्वसमावेशी, सर्वहारा, दलित, आदिवासियों और मजदूरों की पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन यह पार्टी केवल अनुसूचित जातियों, खास तौर पर महाराष्ट्र में बौद्ध और उत्तर प्रदेश में जाटवों की पार्टी कही जाने लगी। अनुसूचित जातियों में भी मातंग, चर्मकार जातियां महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी से दूर रहीं। उत्तर प्रदेश जाटव चमार पार्टी का मुख्य जनाधार रहा। बीपी मौर्या ने जाटव मुस्लिम गठजोड़ कर पार्टी को सफलता दिलाई। 1969 के विधानसभा चुनावों में पार्टी बुरी तरह हार गई। इस स्थिति में कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी को उत्तर भारत से उखाड़ फेंकने के लिए मौर्य जैसे बड़े नेता को अपने जाल में फंसाया। मौर्य के कांग्रेस में शामिल होते ही उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोने लगी। कांग्रेस यही चाहती थी। अब केवल महाराष्ट्र में भी उसका जनाधार बचा, लेकिन जबरदस्त विघटन के कारण वह यहाँ कभी भी बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभर पाई। रिपब्लिकन पार्टी में गवई, खोबरागड़े और कांबले, इन गुटों के बाद डॉक्टर अंबेडकर के पुपोत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी बहुजन महासंघ पार्टी बनाई। दलित पैंथर के रामदास आठवले और लॉन्ग मार्च के नेता योगेंद्र कावड़े ने भी अलग से रिपब्लिकन पार्टी बनाई। 1979 के पूर्व इन सभी गुटों ने रिपब्लिकन पार्टी के विलय का संकल्प लिया। अब रिपब्लिकन पार्टी के महाराष्ट्र में 10 से अधिक गुट हैं। इन गुटों में प्रकाश अंबेडकर की बहुजन महासंघ, गवई की रिपब्लिकन पार्टी, आठवले और टीएम कांबले के साथ साथ योगेंद्र कावड़े, खोरीपा और राष्ट्रीय रिपब्लिकन आदि प्रमुख गुट हैं। हालांकि आस अभी भी बाकी है। यही वजह है कि कुछ कार्यकर्ता अभी भी रिपब्लिकन एकता के नाम पर रिपब्लिकन स्वाभिमान जन जागृति अभियान चला रहे हैं।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह सपना कब पूरा होगा, यह एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहेब का यह सपना बहुत जल्द और बहुत तेजी के साथ पूरा होगा। तो यही था आज का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सफरनामा। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई रोचक या ज्ञानवर्धक कहानी है जो समाज के लिए एक प्रेरणा साबित हो तो आप लोग निसंकोच आप उसे हमें नीचे दी जा रही आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करने के लिए मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक नई उम्मीद, एक नए जज्बे और एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।